हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक नए स्टाइल का बैग लेकर आई हूँ और उसकी शुरुआत हम करेंगे इस क्विल्टेड पीस से। और इसका साइज़ हमारे पास है 4x10 इंच का एक क्विल्टेड पीस है। इसको हम बीच में से कट करेंगे और इसमें एक जिप लगा देंगे। इसमें एक रनर डाल देंगे। अब इसमें रनर डालने के बाद दूसरा पीस लेंगे हम, जिसका साइज है 4x20 इंच। अब इसमें हम लूप लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 इंच के 2 लूप लिए हैं और इसको यहाँ पर यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। इस तरह से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद ये जो लूप हमने बनाया है इसी 1 इंच डाउन पर रखेंगे। पहले यहाँ पर किनारे पर पैक करेंगे। अब ये जो हमने लूप लगाया है इसका सेंटर निकालेंगे। इसी लूप का ही सेंटर निकालना है। तो ये है हमारे पास बीच का सेंटर लूप में, और इस सेंटर से यहाँ पर, इस सेंटर से 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, टोटल 2 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस रखेंगे। और फिर यहाँ पर एक एक मशीन और चला देंगे। तो ये जो लूप है हमारे पास यहाँ पर 2 इंच इस तरह से खुला रहेगा। यहाँ से हमने इसको बराबर से पैक कर दिया, तो इसको इतना खुला रखना है। इधर भी इसी तरह से मार्क करके और लूप को अटैच करेंगे। इसको भी हमने इसी तरह से अटैच कर दिया, इधर भी और ये इधर भी। ये इस तरह से हमारा खुला होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमने जिप वाला पीस लिया था इसको लेंगे और इसमें अब ये यहाँ पर हमने 1 इंच वृत्त की 2 पट्टियाँ और ली हैं, इनको भी लगा देंगे। तो ये इस तरह से 2 पट्टियाँ हैं, इनको ये वाला जो जिप के इधर वाला पार्ट है इसके सेंटर में, जिप के पास में रखते हुए इस तरह से लगा देंगे और दूसरा पीस यहाँ पर लगा देंगे। तो दोनों को अटैच कर देते हैं। इसको भी हमने यहाँ अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास 2 बेल्ट यहाँ पर ये इस तरह से हो गए, लेकिन इससे हमें क्या करना है, इसको भी अटैच करना है। इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये 10 इंच है, 5 इंच पर सेंटर निकालना है। 5 इंच से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, टोटल 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। लाइन खींच लीजिए, ये हमको 6 इंच बीच में मिल जाएगा। अब इस जो ये जो बेल्ट है हमने यहाँ पर, ये जो 3 इंच आया सेंटर से, 3 इंच आया, ये जो निशान लगाया है यहाँ से, इसको यहाँ तक पूरा ब्लॉक कर देंगे बेल्ट को। और ये बीच का जो 6 इंच है इसको नहीं सिलेंगे। अब ये चारों कोने हमने सिल दिया और ये बीच में हमें इस तरह से ये हैंडल मिला, ये देखिए, है ना। और अब इसके बाद ये जो पीस हमने तैयार किया था लूप वाला, इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने एक क्विल्टेड पीस लिया है, इसका साइज़ है 7x9 इंच। और इसमें भी अब हम एक साइड पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग इस तरह से लगानी है।
में पाइपिंग लगाने के बाद अब हम अगले दो पीस लेंगे 9x9 के, और इसमें हम सर्कल खींचेंगे। तो ये 9 इंच है हमारे पास, ये जो कार्डबोर्ड है ये 9 इंच है और इसका मैंने पूरा सर्कल कट कर दिया। तो ये 9x9 का एक पीस ले लीजिए इस तरह से और फॉर्मा बना के रख लीजिए, काम करने में आसानी रहती है। अब इसको हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे दोनों में। इसमें मैंने पहले से खींच के रखी है, अब इसको हम पहले मशीन चला लेंगे फिर कट करेंगे। ये एक पीस तैयार हो गया, इसी तरह से इसको भी तैयार कर लेंगे। इसको कट करने के बाद जो पाइपिंग वाला पीस था हमारे पास 7x9 इंच का, इसको लेंगे और इसी फर्मे को यहाँ पर रखेंगे और नीचे की तरफ से ये पाइपिंग हमारी ऊपर रहेगी, नीचे की तरफ से इसको बीचों बीच में रखते हुए और इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। पर भी मशीन चला करके इसको कट कर देंगे। अब इस पीस को किसी भी एक पीस में यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह से इसको हम पूरा राउंड शेप में जोड़ देंगे। यहाँ पर ये हमको एक पॉकेट इस तरह से मिल गई और एक साथ बराबर से ये देखिए पूरा पीस लग गया। इसको फोल्ड करेंगे, इस पाइपिंग को नीचे वाली पाइपिंग के साथ एक साथ मिलाते हुए यहाँ पर सेंटर मार्क दे देंगे। ये हमारा सेंटर मार्क है और नीचे भी सेंटर मार्क दे देंगे। पाइपिंग से पाइपिंग मिलाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमने सेंटर मार्क ऊपर भी निकाल लिया, नीचे भी इस पीस में भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे, यहाँ भी और यहाँ नीचे भी। अब ये जो हमने बॉर्डर बनाया था इसको लेंगे, इसका भी सेंटर मार्क निकाल लेते हैं। ये जो पर जिप वाला पीस जोड़ा था इन दोनों को कुछ सिलाई को एक साथ रखेंगे, उल्टा कर लेते हैं इसको, इस तरह से सिलाई को सिलाई के साथ मिलाएंगे। ऊपर का हिस्सा अलग करेंगे जिप का, नीचे का अलग करेंगे और सेंटर मार्क ले लेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क लेने के बाद अब ये जो हमने सेंटर मार्क लगाए थे इनको यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे, इस तरह से, और इसको पूरा गोलाई में जोड़ देंगे। तो पहले यहाँ पर हम पिन लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये पिन लगाने के बाद अगर कहीं मान लीजिए हल्का सा, क्योंकि गोलाई में हम सिल रहे हैं तो कभी कभी होता क्या कि कोई भी एक पीस छोटा बड़ा होता है गोलाई में, तो हल्की सी चुनट या तो इसमें दे दीजिए या इसमें दे दीजिए, लेकिन सेंटर से सेंटर हमारा ये जुड़ा होना चाहिए। जो भी बढ़ रहा है कपड़ा, चाहे ये बढ़ रहा चाहे बढ़ रहा, हल्की सी छोटी छोटी प्लीट्स दे करके उसको वहीं पर एडजस्ट कर दिए, इस साइड का अलग इस साइड का अलग। अब इसको हम जोड़ते हैं और अगर फिट बैठ जाता है तो अच्छी बात है। ये पूरा मेरा एकदम बराबर से फिट बैठ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमने एक मशीन चलाई तो अभी ये किनारा खुला हुआ है, या तो इस पर आप पाइपिंग चढ़ा दीजिए और नहीं तो एकदम किनारे सफाई से दाब मशीन देते हुए इसको फिनिशिंग दे दीजिए, जैसे इंटरलॉक करते हैं। और ये एक तरफ का पीस हमारा लग गया है। अब हम दूसरा पॉकेट वाला पीस लेंगे, तो ये ध्यान रखना है पॉकेट हमारी जिधर जिप है उधर होनी चाहिए। इसको भी सेम प्रोसीजर में सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले पिन करेंगे दोनों साइड,
ऊपर भी और बॉटम में भी, उसके बाद सिलाई दे करके फिनिशिंग की मशीन एक चला देंगे और इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया। अब लेंगे इसकी बेल्ट की तैयारी करेंगे। तो बेल्ट आज मैं आप लोगों को एकदम नए तरीके से बताने वाली हूँ और उसके लिए हमने यहाँ पर बेल्ट ली है, ये है पूरी 52 इंच की। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेन कपड़ा भी लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी, तो इसको प्लेन कपड़ा लगा करके थोड़ा बढ़ा दिया। अब इसमें भी हम मेजरमेंट करेंगे बेल्ट में। तो बेल्ट में मेजरमेंट जो नीचे का साइड है, दोनों किनारे का साइड, यहाँ से हम 3.5 पर मार्क करेंगे, दोनों पीस में बराबर से मार्क करेंगे 3.5 पर। अब बेल्ट का जो सीधा हिस्सा है वहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये किनारे पर 1/2 इंच इस तरह से मोड़ेंगे और जहाँ 3 इंच पर हमने मार्क किया है वहाँ तक इसको पूरा फोल्ड करके ले आएंगे इस तरह से। और अब इसको पहले हम चारों तरफ से सिलाई करके पैक कर देंगे। दोनों किनारों को हमने मोड़कर सिल दिया। अब ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो किनारे मुड़े हैं वो एक ही उसमें होने चाहिए। इधर हमने मोड़ा है तो इसकी जो इसका जो दूसरा सिरा है वो भी इसी तरफ होना चाहिए, उल्टी तरफ नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक ही साइड दोनों सिलाई आनी चाहिए। अब इसमें हम यहाँ पर पेंसिल से मार्क करेंगे। तो मार्क करने के लिए पहले हम बटन लेंगे, ये हमारे पास बटन है। तो बटन की जितनी ये चौड़ाई है इसको यहाँ पर बटन को यहाँ पर रखेंगे इसके बीचों बीच में और पेंसिल से मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जितनी भी बटन की चौड़ाई है, मैंने तो अपने बटन के हिसाब से लिए इसलिए मैं इंच में नहीं बता रही हूँ, सेंटीमीटर में नहीं बता रही हूँ। जो भी बटन आप यूज़ कर रहे हैं उसको बस यहाँ पर रखिए इसके बीच में और बीचों बीच में रखिए, बटन के इस साइड में निशान लगाइए, बटन के इस साइड में निशान लगाइए और एक बीचों बीच में लंबी लाइन खींच लीजिए। अब इस लाइन के किनारे किनारे हमें 3-4 बार मशीन चलानी है इस तरह से। ये हमने मशीन चला ली। अब ये जो मशीन चलाई है किनारे किनारे, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हमें बटन को पास करना है। तो ये हमने मशीन से काज तैयार कर लिया इस तरह से, ये हमारा काज तैयार हो गया और ये हमारा बटन इसमें से पास हो जाएगा। ये देखिए ये पास हो गया इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरे साइड का भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो कटिंग की है ये मजबूत रहे इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे दोनों साइड में और हाथ से इसको मलते हुए इसको इस तरह से सारे रेशों को अलग अलग चिपका देंगे। अब फैब्रिक ग्लू लग जाएगा तो ये अपने आप में एक समय में मजबूत हो जाएगा, थोड़ी देर में सूख के इस तरह से। बस इसको यहाँ पर रगड़ दीजिए, ये और सूखने के बाद टाइट हो जाएगा पूरा और जितने रेशे निकल रहे हैं इनको कट कर दीजिए। ये हो गया, इधर भी कर देते हैं। अब इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से पलटेंगे और इसके होल में से दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो सिलाई हमने इसको पलट के की थी ये अंदर रहनी चाहिए, ये सिलाई ऐसे आएगी, बाहर से हमें सिलाई नहीं दिखाई देनी चाहिए और तब हमें इस पर निशान लगाना है।
और इसमें अब हम बटन लगा देंगे। तो जिस बटन से हमने इसमें मेजरमेंट किया है उसी बटन को हमको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर मैंने 4 लेयर थ्रेड लिया है, इस बटन को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। बहुत लोगों ने कहा था कि जो डिटैचबल हुक होता है वो मार्केट में नहीं मिलता जल्दी, तो उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन बताइए। तो मैंने ये ऑप्शन निकाला है कि डिटैचबल हुक की जगह आप इस तरह से कांच बटन का बेल्ट बना लें। बटन आपके घर में होगा ही और इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा उपाय है। और इसको हम यहाँ पर सिंपल नॉट लगा देंगे मजबूती के साथ। और ये हमारा बेल्ट, हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई। अब इसमें ये जो हमने यहाँ पर लूप सिला था साइड वाली वॉल में, बस इसको इसमें डालना है। इसे डालेंगे, काज में डालेंगे, ये हमारा बटन आ जाएगा इधर। इसी तरह से दूसरी साइड भी। और जब भी राउंड शेप का बैग बनाइए तो उसमें कभी हाफ एंड हाफ मेजरमेंट करके यहाँ से जो ज़िप का हिस्सा होता है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम हाफ एंड हाफ लेंगे तो जो बैग है हमारा वो इस तरह से उल्टा सीधा नाचने लगता है। इसलिए हाफ, जो भी हाफ साइज़ आपका आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमको ये बैग का साइज़, ज़िप का साइज़ लेना चाहिए खोलने के लिए। और इस तरह से ये देखिए हमने नए स्टाइल की बेल्ट आपको बता दी। अब आप इसको खोल करके बैग के अंदर भी रख सकती हैं और इसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के हैंडल को यूज़ कर सकती हैं, और नहीं तो इसको इसी में बराबर से पड़ा रहने दीजिए और इसको स्लिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये था आज का हमारे नए स्टाइल का राउंड शेप का बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।